आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मोदी ने की मन की बात, कहा देश और समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, जिससे समाज टूटे वह धर्म नहीं हो सकता। छिंदवाड़ा में कमलनाथ का शक्ति प्रदर्शन, कहा छिंदवाड़ा मेरे दिल के करीब। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से वापस होंगे मुकदमे, लागू होगा पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट। एक्शन और ड्रामा फिल्म सिम्बा का धमाल, रणवीर सिंह ने तोड़ा रिकॉर्ड। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा कि साल 2018 खत्म होने वाला है और हम 2019 में प्रवेश करने वाले हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसे में बीते वर्ष की बातें चर्चा में रहती हैं, साथ ही आने वाले वर्ष के संकल्प की भी चर्चा सुनाई देती है। हम ऐसा क्या करें जिससे अपने स्वयं के जीवन में बदलाव ला सकें और साथ ही साथ देश और समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 51वें एपिसोड को संबोधित करते हुए इसके लिए देशवासियों से सुझाव मांगे। मन की बात को लोकप्रिय बनाने एवं लोगों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए नमो ऐप पर मन की बात क्विज की भी पहल की गई है। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा कि आने वाले वर्ष के संकल्प की भी चर्चा सुनाई देती है। हम ऐसा क्या करें जिससे अपने जीवन के में बदलाव लाने के साथ ही साथ देश और समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे पर्व त्यौहार हमें सामाजिक मूल्यों की शिक्षा भी देते हैं। एक और जहां इनका पौराणिक महत्व है, वहीं हर त्यौहार जीवन के पाठ, एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहने की प्रेरणा बड़ी सहजता से सिखाए जाते हैं। जनवरी में कई सारे त्यौहार आने वाले हैं, जैसे लोहड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति, उत्तरायण, माघ बिहू आदि। इन त्यौहारों के अवसर पर भारत में पारंपरिक नृत्य का रंग दिखेगा। फसल तैयार होने की खुशी में लोहड़ी जलाई जाएगी, आसमान में रंग बिरंगी पतंगे उड़ती दिखाई देंगी। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। साल 2018 खत्म होने वाला है, हम 2019 में प्रवेश करने वाले हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसे समय बीते वर्ष की बातें चर्चा में होती हैं, तो आने वाले वर्ष के संकल्प की भी चर्चा सुनाई देती है। चाहे व्यक्ति का जीवन हो, समाज का जीवन हो, राष्ट्र का जीवन हो, हर किसी को पीछे मुड़कर के देखना भी होता है और आगे की तरफ जितना दूर तक देख सके देखने की कोशिश भी करनी होती है, और तभी अनुभवों का लाभ भी मिलता है और नया करने का आत्मविश्वास भी पैदा होता है। हम ऐसा क्या करें जिससे अपने स्वयं के जीवन में बदलाव ला सके और साथ ही साथ देश एवं समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। आप सबको 2019 की ढेर सारी शुभकामनाएं। मोदी ने कहा, कुंभ मेले में आस्था और श्रद्धा का जन सागर उमड़ता है, एक साथ कई जगह देश विदेश के लाखों करोड़ों लोग जुटते हैं। कुंभ की परंपरा हमारी महान सांस्कृतिक विरासत से पुष्पित और पल्लवित हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि इस दिसंबर में हमने कुछ असाधारण देशवासियों को खो दिया। 19 दिसंबर को चेन्नई के डॉक्टर जयचंद्रन का निधन हो गया। उनको प्यार से लोग मक्कल मरुथुवर कहते थे, क्योंकि वे जनता के दिल में बसे थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि धर्म समाज को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। जिससे समाज टूटेगा वह धर्म नहीं हो सकता। जात पात और ऊंच नीच का भाव नहीं रहे, मनुष्य को मनुष्य के नाते देखा जाना चाहिए। धनबाद में क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने देश भर से आए खिलाड़ियों एवं क्रीड़ा भारती के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि धर्म समाज को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। मोहन भागवत ने कहा कि धर्म और शिक्षा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समाज हित के लिए अर्जित की गई शिक्षा से धर्म को समझना आसान हो जाता है। मनुष्यता की शिक्षा सबसे अच्छी शिक्षा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। कितने लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसका उपयोग समाज की भलाई के लिए करते हैं, यह विचारणीय है। मोहन भागवत ने कहा कि शिक्षा अब कारोबार का रूप ले रही है, यह $3 ट्रिलियन का व्यवसाय बन गई है।
उलट सोच यह है कि शिक्षा की मांग रहेगी तो व्यापार चलता रहेगा। शिक्षा रत्नद्वीप की तरह होना चाहिए, अपनी उन्नति करते हुए दूसरों की भी उन्नति करें। उत्कृष्टता की भूख होना चाहिए। शिक्षा को डिग्री से मापा नहीं जा सकता, जो हम सीख रहे हैं उसमें हम उत्तम बने रहें। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ पहली बार अपने क्षेत्र छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया। इसमें बड़ी संख्या में कमलनाथ समर्थकों की भीड़ रही। कमलनाथ ने लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा, छिंदवाड़ा मेरे दिल के करीब है। छिंदवाड़ा पहुंचने पर मुख्यमंत्री कमलनाथ का जोरदार स्वागत हुआ। हवाई पट्टी से ही उनका रोड शो शुरू हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में जगह जगह लोगों ने उनका स्वागत किया। कमलनाथ के रोड शो को आभार रैली का नाम दिया गया। यह रोड शो कमलनाथ समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन भी था, ताकि कांग्रेस के दूसरे गुटों को संदेश दिया जा सके कि अब कांग्रेस में कमलनाथ के कद का कोई दूसरा नेता नहीं है। कमलनाथ ने भी सभी का आभार जताते हुए छिंदवाड़ा मॉडल पर मध्य प्रदेश में काम करने की बात कही। कमलनाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा मेरे दिल के करीब है। मैं यहाँ उम्मीदवार बन के आया था, मैं सांसद बन के आया हूँ, मैं मंत्री केंद्र मंत्री बन के आया जी, और आज मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन के आया हूँ। मैं छिंदवाड़ा के हर मतदाता का, पूरी जनता का प्रतिनिधि। सर, दिल के बेहद करीब है छिंदवाड़ा जी। छिंदवाड़ा मोबाइल हमेशा रहा है सर, थोड़ा सा हाथ नीचे कर लीजिएगा। छिंदवाड़ा के ये परिणाम आते हैं। कमलनाथ का छिंदवाड़ा का यह पहला दौरा बहुत कुछ तय करेगा। कमलनाथ के दौरे के मद्देनजर नागपुर रोड पर ऊंची इमारतों में खड़े होकर पुलिसकर्मी दूरबीन के सहारे हर गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। छिंदवाड़ा के अलावा बैतूल, सिवनी, नरसिंहपुर और जबलपुर सहित अन्य आसपास के जिलों से पुलिस बल छिंदवाड़ा बुलाया गया है, जो 3 दिनों तक छिंदवाड़ा में रहकर सीएम की सुरक्षा में तैनात रहेगा। सीएम की सुरक्षा की दृष्टि से करीब 1500 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों का बल तैनात किया गया है। छत्तीसगढ़ में लखेश्वर बघेल को मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज आदिवासी समाज ने जगदलपुर में नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। कांग्रेस का मंत्रिमंडल बनाने के बाद से कई विधायक और उनके समर्थक लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से नाराज सर्व आदिवासी समाज ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। बस्तर के कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल को मंत्रिमंडल में शामिल न किए जाने से नाराज आदिवासी समाज ने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों की हितैषी है, पर लखेश्वर को मंत्री न बनाकर उन्हें छला गया है। मध्य प्रदेश के विधि मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एमपी में पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू किया जाएगा। भोपाल दक्षिण पश्चिम से कांग्रेस विधायक चुने गए पीसी शर्मा मध्य प्रदेश के नए विधि मंत्री बनाए गए हैं। पद ग्रहण करने के बाद विधि मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा। शर्मा ने कहा कि बीजेपी के शासन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों पर लगे झूठे मुकदमे सरकार वापस लेगी। निश्चित तौर पर विधि जो पीएस और जो वरिष्ठ अधिकारी से बैठक लेके चर्चा करेंगे कि ये सब चीजें कैसे हो सकती है। कांग्रेस के वर्कर्स जो राजनीतिक मुकदमे हैं 15 साल, जो कर्मचारियों पे, जो अधिकारियों पत्रकारों पे भी है, इन सबको कैसे विड्रॉ किया जा सकता है, इसका एक रोड बना के मुख्यमंत्री जी पहुँचाएंगे और उसमें किसान भी शामिल है। और दूसरे क्योंकि ये सब एक वेमनस की वजह से भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का तरीका होता है, इसलिए उन्हें। संत हिरदाराम नगर में कांग्रेस को मजबूत बनाने की बात कहते हुए कांग्रेसियों ने कांग्रेस का 133वां स्थापना दिवस मनाया और मिठाइयां बांटी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस का 133वां स्थापना दिवस मनाया। संत नगर के चंचल चौराहे पर कांग्रेस नेताओं ने मिष्ठान वितरण किया। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा और ब्लॉक अध्यक्ष नानक चंदानी मौजूद थे। कैलाश मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस ने देश के लिए सबसे ज्यादा बलिदान दिए हैं। आज हमारी कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है और 133वां स्थापना दिवस है। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब मुखर्जी साहब, उसके पहले हमारे कलकत्ता में जन्मे मुखर्जी साहब पहले अध्यक्ष बने। आईडी लगा दो। पहली बैठक हुई थी उसमें 72 लोगों की उपस्थिति थी और 72 लोगों की उपस्थिति के बाद आज देश में विकास कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है और एक अच्छे संकल्प से हमारे नेताओं ने जो काम करा, आज हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है। आने वाले 2019 में दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं पुनः स्थापना दिवस के अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज के अवसर पर सभी कांग्रेसजन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इसलिए
कि देश की जनता का बार बार कांग्रेस के ऊपर विश्वास होता है और इसलिए आज फिर से 3 स्टेटों में हमारी सरकार बनी है और आने वाले समय में दिल्ली में भी हमारी सरकार बनेगी। मैं पुनः सभी कांग्रेस जनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रात के अंधेरे में शक्कर लूटने वाले लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये लुटेरे शक्कर से भरा ट्रक लूटने के बाद से फरार थे। छतरपुर के मातगुआ थाना पुलिस ने शक्कर से भरे ट्रक लूटने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी प्राप्त की है। 26 दिसंबर की रात में इन 3 आरोपियों ने बिजावर रोड पर कट्टे की नोक पर लूटपाट की थी। ये बदमाश लूट की घटना के बाद से फरार हो गए थे। आज पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटा गया सामान और कट्टा जब्त कर इन्हें न्यायालय में पेश किया, जिन्हें न्यायालय ने जेल भेज दिया। 26/12/18 के रात्रि 8 बजे के आसपास में ट्रक बिजावर से शक्कर लोड लेके आ रहा था। वहाँ पे बरा के पुरवा के पास में 3 अज्ञात बदमाशों ने रोककर लूट की थी, जिसमें 12,900 के करीब मशरूका गया था। देसी कट्टा उड़ाकर लूट की थी और मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर साइबर सेल की मदद से 3 बदमाशों को 48 घंटे के अंदर पकड़ लिया गया है और 3 बदमाशों से एक बदमाश से उससे 12 बोर का कट्टा हुआ है जब्त और 3 बदमाशों से पैसे जो मशरूका गया था 11,900 की बरामदगी हुई है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पूरी कार्रवाई की गई है। कड़ाके की ठंड जहां एक ओर लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है, वहीं कुछ लोग इस ठंड में गरीब बच्चों की मदद के लिए सामने आए और बच्चों को गर्म कपड़े दिए। बिजावर के ग्राम नायताल में असहाय गरीब बच्चों को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े बांटे गए। बजरंग सेना के संगठन मंत्री जितेन तिवारी ने बताया कि हमारी मुहिम 1 माह से चल रही है। हम जगह जगह गरीब बच्चों को गर्म कपड़े देते हैं ताकि वो भीषण सर्दी में आम जीवन यापन कर सकें। आदिवासी असहाय बच्चों को गर्म कपड़े वितरण किए गए हैं। हम लोगों की जो मुहिम है बजरंग सेना के माध्यम से उसी को आगे बढ़ाते हुए असहाय बच्चों को गर्म कपड़े बांटे गए हैं और बच्चों को एक संकल्प भी दिलवाया गया है कि आप लोग स्कूल जाएं, अपने माता पिता, अपने ग्राम, अपनी तहसील, अपने मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि हम बच्चों को एक संकल्प भी दिलवाते हैं कि आप लोग प्रतिदिन स्कूल जाएं और अपने माता पिता तथा देश का नाम रोशन करें और देश की प्रगति में सहायक बनें। रणबीर सिंह की एक्शन ड्रामा फिल्म सिम्बा बॉक्स ऑफिस पर अपना धमाल मचा रही है। फिल्म ने पहले दिन में 20,72,00,000 रुपए का बिजनेस के साथ शानदार शुरुआत की। फिल्म के दूसरे दिन की कमाई भी 26 से 30 करोड़ के आसपास है। सिम्बा की पहले दिन की कमाई ने रणबीर सिंह के नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज करा दिया है। इस फिल्म के जरिए एक्टर रणवीर सिंह ने अपनी ही कई फिल्मों का फर्स्ट डे कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुंडे और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए रणवीर की ये फिल्म पहला नंबर पाने में कामयाब रही है। फिल्म की सफलता साफ नजर आ रही है। ऐसे में क्रिटिक्स ने फिल्म को सराहा है। आमतौर पर फिल्म को दर्शकों ने कितना पसंद किया ये शनिवार और रविवार को हुई कमाई साबित करेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।